प्रणाम आप सभी का। आप दोबारा उपस्थित हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, और आज मैं ये वीडियो थोड़ा सा आपको, जो लोग हमें पसंद करते हैं वो उनके लिए तो सही है, जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद जो मेरी कही हुई बातों को हो सकता है उनको अच्छा ना लगे, तो मैं उनसे ये आग्रह कहूँगा कि आप कृपया जो लोग हमारी बातों को पसंद नहीं करते हैं आप ये वीडियो आराम से स्किप कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2020, ये सुन के कैसा लगा? शायद मैं भी वही फील कर रहा हूं जो अभी आपके मन में है। ये 2020 विधानसभा चुनाव, ये सुन के जो आपके मन में जो बात आई है वो बात कहीं ना कहीं मेरे मन में भी है। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे वोट के समय जातिवाद का चेहरा और विपदा के समय रोल मॉडल, कर्मठ, सशक्त टाइप नेता को पसंद किया जाता है। ये बिहार की दुर्दशा ही तो है, ये बिहार की दुर्दशा ही तो है कि 15 सालों से बिजली और सड़क, एकमात्र बिजली और सड़क को लेकर के जो चुनावी घोषणा की जाती है और उसी को मुद्दा बना करके आप हमेशा इलेक्शन में आप बात करते हैं। बिहार में क्या बिजली और सड़क ही बिहार की उन्नति को मूल रूप से बढ़ावा देगी? मैं ऐसा नहीं मानता, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं मानते हैं। बिहार में क्यों नहीं, बिहार में स्वास्थ्य, कला, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, रोजगार, इसके प्रति क्यों नहीं लोगों की जागरूकता बढ़ती है? क्यों लोग इसके बारे में नहीं बात करना चाहते? इसमें कहीं ना कहीं हमारी और आपकी खुद की गलती है। अब ये सवाल उठता है कि क्यों हम और आप इसके जिम्मेवार हैं। अब समय आ गया है बदलाव का। जिस तरह से आप अपने खाने का चुनाव, पहनने का चुनाव, रहने का चुनाव, बात करने का चुनाव आप खुद तय करते हैं, ये बिहार विधानसभा चुनाव भी उसी तरह से आपको अपने हिसाब से चुनाव करना चाहिए। बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसको सशक्त बनाने के प्रति सरकार की कहीं ना कहीं नाकामयाबी ही दिखती है। लोग, हमारे बीच के जो लोग हैं, क्या उनमें इतनी काबिलियत नहीं है? क्या वो इतने आत्मनिर्भर नहीं है कि वो अपने प्रदेश में रह करके प्रदेश की जो उन्नति है उसको मूल रूप से बढ़ावा दे? इसके लिए हम आपको सोचना पड़ेगा। बिहार के जो पूंजीपति वर्ग हैं उनसे हमारा ये आग्रह है कि आप अपने लोगों के बीच के जो लोग हैं उनको आप रोजगार दें। लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, ये तजुर्बा नहीं है, तो मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा कि तजुर्बा एक ऐसी चीज है जो करने से होती है। लोग नए से पुराने होते हैं, ना कि एकदम से एक्सपीरियंस कोई आ जाता है कहीं से। आप मौका दीजिए लोगों को। आप पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, आप पूंजीपति वर्ग के लोग, जब भी आप लोगों के, बिहार के जो युवा हैं उनको आप यदि रोजगार देंगे, मेरी गारंटी है कि लोग उसे बहुत ज़्यादा मेहनत से उस काम को करेंगे और इससे कहीं ना कहीं बिहार के विकास को एक समृद्ध ऊंचाई तक ले जा सकते हैं हम और आप। क्या हम में इतनी काबिलियत नहीं है कि हम पूरे अपने देश के, अपने प्रदेश के विकास के लिए कुछ अच्छा कर सकें? हम, हमारे बीच के ही लोग हैं जो न जाने आईटी में, बैंगलोर में कितने सुनने को मिलता है, कितने आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईटी सेल में आईआईटीएन है, एनआईटी है, सारे तो बिहार के ही हैं। तो आखिर ये बिहार के जो ब्रांड, फायर ब्रांड मटेरियल हैं, एक्सीलेंट माइंड्स हैं, इसको आप बिहार से बाहर मत जाने दीजिए। यही लोग बिहार से बाहर जा करके और दूसरे स्टेट में जा करके, दूसरे देश में जा करके उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते आप दूसरे जगह की जो अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। आप एक बार सोचिए कि क्या यदि इस तरह के लोग आपके यहाँ पे, आपके समाज में हैं, आपके बीच में हैं, आपके लोगों से आप घिरे हैं, यदि इस तरह के लोग आपके विकास के, आपके प्रदेश के विकास के लिए यदि ये कामगार साबित होंगे तो क्यों ना हम इसको आगे बढ़ाएं। लोगों के मन में अक्सर ऐसा सुनने को मिलता होगा कि बिहार, दिनकर ने हिंदी को जन्मा, हिंदी ने हिंदुस्तान को जन्मा,
हिंदुस्तान ने कई सारे ज्ञानियों को जन्मा और उसी में से एक ज्ञानी आके कहता है ओए बिहारी। तो जो लोग सिर्फ बिहार को जंगल राज और कुछ एक पॉलिटिशियंस हैं उनके नाम से ही जानते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप यदि ऐसे सोच रखते हैं तो आप गलत हैं। आप यहाँ की कला, संस्कृति, विज्ञान की जब बातें करेंगे, जब देखेंगे इसके, आप इसके पश्चाताप भूतकाल में जब जाके देखेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा, आप जान पाएंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी जहाँ पे आग लगने के बाद अक्सर हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि दो से तीन साल तक सिर्फ और सिर्फ किताब ही जली थी। आप सोचिए कि यदि 2 से 3 साल तक सिर्फ किताबें ही जली थी तो किताबों की संख्या कितनी रही होगी। विश्व प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी से बिहार में है आप डॉक्टर राजेंद्र बाबू, बिहार से हैं, न जाने कई ऐसे चेहरे हैं जो बिहार से हैं और आपको इस चीज के बारे में जरूर जानना चाहिए। बिहार के भविष्य के बारे में भी हम सबको ये अवश्य